कानपुर में 3 तारीख शुक्रवार को 2 गुटों में हुई पत्थरबाजी को लेकर कमिश्नर का आदेश का पालन करते हुए उच्च अधिकारी और एसपी अनवरगंज प्रशासन बहुत सख्त हुई। सीसीटीवी फुटेज देकर कार्रवाई की जा रही है और 40 लोगों को पहचान कर उनके पोस्टर चौराहे पर लगाए गए हैं। सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है, आप लोग पहचान करके बताने की कृपा करें। उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और अज्ञात में जो भी पकड़े गए हैं उनकी जांच करके निर्दोष हैं उनको छोड़ा जा रहा है। ये कानपुर प्रशासन का कहना है, किसी भी हाल पर निर्दोष के जेल नहीं भेजा जाएगा। ये बहुत ही प्रशासनीय और अच्छा कार्य है, जांच करके निर्दोष को छोड़ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं बासमंडी निवासी आदिल पुत्र साबिर, अज्ञात में परसों पुलिस की टीम ने उठाया और जांच में निर्दोष पाकर छोड़ दिया। आदिल के पिता का कहना है कि प्रशासन ने मेरे साथ बहुत सहयोग किया, जिसमें एसपी अनवरगंज और उच्च अधिकारी रायपुरवा थाना इंस्पेक्टर और पुलिस वाले मेरा बहुत सहयोग किया है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं नसीम अहमद 107 दिन से इस वक्त हम मौजूद हैं बांस मंडी में, जो आदिल के पिताजी को से बात करना चाहते हैं, जो आदिल जी को गिरफ्तारी हुई थी। जैसे कि आपके लड़के को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी, उसके बाद क्या करें? मेरे बच्चों को मैं दुकान से पुलिस आगे ले गई, उसके बाद उससे पूछने लगी ले जाने के बाद ये उस दिन तुम कहाँ थे, तो उसने बताया कि मैं नमाज पढ़ के अपने घर आ गया था। क्या मेरे घर पे भी सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ है, वो कैमरे के अंदर था। और दुकान के ऊपर जब जहाँ से उनको ले गए वो भी मेरे कैमरे थे, उसमें भी उनको पूरा दिखाया। और फिर उसके बाद मैंने पुलिस को अपना सारा मामला दिखाया, पुलिस ने देख के संतुष्ट हुई और उसने हमको मेरे बच्चे को छोड़ दिया। मैं पुलिस का बहुत बहुत आभार। जैसे कि हम ये चाहेंगे कि प्रशासन ने आपके साथ कैसा सहयोग किया? प्रशासन ने मेरे साथ पूरा सहयोग किया और पूरा मेरी मतलब जिस तरीके से हमने उनको अपने एविडेंस दिखाए वो उन्होंने उसको माने। अब प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? हम उसका प्रशासन के आभारी हैं कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। जैसे कि आज अभी हमने बात की आदिल के पिता जान से, उनका कहना है प्रशासन ने हमारे साथ बहुत सहयोग। आप देख रहे हैं एक्शन 7 न्यूज, हमारे संवाददाता नसीम अहमद की खास रिपोर्ट। We'll be right back.